हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भौतिकी विज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे, 101 से बात करनी है हमें। तो 101वां क्वेश्चन है आपका, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो आपको बता देना है 98 डिग्री। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या है? चांदी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा धारिता किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो आपको बता देना है जल की। क्वेश्चन है हमारा चार, क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो आपको बता देना है भाप से। किससे? भाप से। क्वेश्चन है आपका पांच, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा कमान होता है? तो याद रखना है जल में। किसमें? जल में। क्वेश्चन है आपका अगला छठवा, छठवा के क्वेश्चन क्या होगा? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, पहली भी बात कर चुके हम लोग, चांदी होती है। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। क्वेश्चन है सातवा, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो कहलाता है संवहन। ए ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है आठ, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आपको बता देना है पारा। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका नौ, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। क्वेश्चन है आपका दस, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 11, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्वेश्चन है 12, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो आपको बता देना है घटती है। क्या होती है? घटती है। क्वेश्चन है हमारा 14, क्या है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। किसमें? इस्पात। क्वेश्चन है हमारा 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 17, क्या है? ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो आपको बता देना है परावर्तन के कारण। किसके? परावर्तन के कारण। क्वेश्चन है 18, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुवाद अनुनाद। क्या है? अनुनाद का। क्वेश्चन है 19, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से।
क्वेश्चन है हमारा 20। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो याद रखना है ध्वनि तरंगें। क्वेश्चन है आपका 21। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 22। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 23। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में। क्वेश्चन है आपका 24। क्या है? जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगें जब चलती हैं तो वे अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 25। क्या है? जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। क्या होगा? जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? तो आपको याद रखना है सफ़ेद। क्या होगा? सफ़ेद रंग होगा। क्वेश्चन है आपका 26। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो आपको याद रखना है उत्तल, उत्तल। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 26, 27 सॉरी। नेत्रदान में दाता की आंख किस हिस्से से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये आपका कार्निया। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28। क्या है? मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो यह आपका रेटिना से। किससे? रेटिना से। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 29। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। क्वेश्चन है आपका 30। दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 31। क्या है? पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 32। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो आपको बता देना है विकिरण के कारण। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 33। क्या है? 133वां या 33। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 34। निम्नलिखित परिक्रमों में से किस एक के बाद के साथ पद CMY के संबंधित है? तो ये आपका ऑफसेट पेंटिंग। क्या है? ऑफसेट पेंटिंग के साथ। क्वेश्चन है आपका 35। क्या है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? जल में वायु का बुलबुला आपका अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, व्यवहार करेगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 36। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 37। किसी
तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे का ताप पता चलता है। क्या चलता है? तापमान उसका। क्वेश्चन है हमारा 38। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर की को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो याद रखना है 21 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 39। पीले रंग का पूरक रंग है, पीले रंग का पूरक रंग है नीला। क्या है? नीला रंग। क्वेश्चन है आपका 40। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का, सॉरी व्यतिकरण का, किसका? व्यतिकरण का। क्वेश्चन है आपका 41। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो पहले भी बात कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को, अपवर्तन के कारण। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 42। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? काला। कैसा? काला। क्वेश्चन है हमारा 43। क्वेश्चन है 43। आबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? आबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखना सिलेंडरी लेंस का। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 44। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह होता है, वह है बैंगनी। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 45। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो आपको बता देना है इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। क्वेश्चन है आपका 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 47। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। क्वेश्चन है हमारा 48। क्या है? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालित चालक का आविष्कार बेंजामिन फैकलिन ने किया था। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 49। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? विद्युत धाप उत्पन्न करने के लिए आपका यूरेनियम उपयोग होता है। क्या होता है? यूरेनियम उपयोग। क्वेश्चन है 50। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। क्वेश्चन है आपका 51। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। क्वेश्चन है आपका 52। वित्तावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। क्वेश्चन है आपका 53। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, इस्पात के, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 54। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 55। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन है हमारा 56। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 57। फैराडे का नियम किस प्रतिक्रिया से संबंधित है?
तो याद रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 58, निम्न में कौन विद्युत आचुंबकीय है? तांबा। क्या है? तांबा विद्युत आचुंबकीय है। क्वेश्चन है आपका 59, चुंबकीय यामूत्र और भौगोलिक यामूत्र के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन आपका अनुचुंबकीय है प्रकृति में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 61, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो याद रखना है पीतल, पीतल आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन है आपका 62, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आपका आइंस्टीन ने दिया था, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 63, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक आपका रॉबर्ट वाटसन था, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 64, पॉजिटॉन की खोज किसने की थी? पॉजिटॉन की खोज एंडरसन ने की थी, किसने? एंडरसन ने। क्वेश्चन है आपका 65, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर की। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 66वें क्वेश्चन के बारे में। क्या है 66वां क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? आपका निकिल चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन है हमारा 67, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो याद रखना है फैराडे के नियम के। क्वेश्चन है हमारा 68, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है लोहा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ये है आपकी जर्मेनियम, जर्मेनियम। क्वेश्चन है हमारा 70, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 71, क्या है क्वेश्चन नंबर 71? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है एक्स किरण। क्या होगा 171 में? आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो आपको याद रखना है सिलिकॉन। क्या याद रखना है? सिलिकॉन। क्वेश्चन है आपका 73, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक आपका सेमीकंडक्टर है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 74, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो याद रखना अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन है हमारा 75, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कारक किसे माना जाता है, किसने किया है? तो याद रखना है ग्राहम बेल ने, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 76, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जेएल वियर्ड ने किया था, किसने? जेएल वियर्ड ने। क्वेश्चन है हमारा 77, टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो को माना जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 78, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आपको बता देना है न्यूटन को, किसको? न्यूटन को माना जाता है। क्वेश्चन है आपका
79। एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो याद रखना 0.24। कितनी होती है? 0.24। क्वेश्चन है हमारा 80। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सोनार। क्या है? सोनार। क्वेश्चन है हमारा 81। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो यह आपका अल्टरनेटर। ये ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है हमारा 82। साइक्लोटॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखना परमाणु को। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 83। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान ब्रिमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब। ए ऑप्शन 83 का सही होगा। 83 में क्या होगा? ए सही। ठीक है। क्वेश्चन है 84। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 85। एक बीकर में पानी बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 86। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्या है? पानी जमने पर फैलता है, इस कारण टूट जाती है। क्वेश्चन है हमारा 87। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 88। यदि हम भूमध्य रेखा में से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन है हमारा 89। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु है समान त्वरण होता है? क्वेश्चन है हमारा 91। एक लड़की झूले पर बैठी स्त्री में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर तौलों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन है 92। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग उसका दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुनी हो जाती है? इसमें आपके दोनों सही हैं, उपयुक्त दोनों ए बी दोनों होंगे। क्वेश्चन है हमारा 93। निम्नलिखित में से सदिश राशि है आपकी वेग, क्या है? वेग। क्वेश्चन है आपका 94। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 95। दो वेक्टर किस जिनका मान अलग अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 96। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है? 96 में आपका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपका 97। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 98। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो याद रखना खिंचा हुआ धनुष में नहीं होती है। क्वेश्चन है हमारा 99। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चुगनी हो जाती है, चौगनी हो जाती है? ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 200। जब दूध
बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है केंद्रापसारी बल। क्या है? केंद्रापसारी बल। सी ऑप्शन सही है। 200 क्वेश्चन का आपका सी है। चलिए, तो ये थे आपके लगभग 200 क्वेश्चन, हम लोग खत्म कर चुके हैं अभी तक। 201 से हम लोग आगे बात करेंगे।